एक दुल्हन शादी वाले दिन रूम में घुसते ही चीख उठी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका पति आधा सांप और आधा इंसान होगा। वो आराम से बिस्तर पर लेटा हुआ है और अपनी नई दुल्हन को देख रहा है। जिया का मुंह खुला का खुला रह गया। वो पागलों की तरह भाग गई, लेकिन जैसे ही वो बाहर गई उसकी सासू माँ ने उसे रोक लिया। वो उसे जाने देने के लिए भीख मांगने लगी, लेकिन उसकी सास उसे जाने नहीं दे रही है। उसने कहा कि उसे खरीदा गया है। सास और ससुर ने मिलकर उसे उस कमरे में वापस धकेल दिया और वहाँ का दरवाजा भी बंद कर दिया। जिया हताश हो गई है और वो रो रो कर सो गई। इस समय एक सांप दानव फिर से बाहर निकल आया। वो अपनी पूंछ से जिया को सहला रहा है। जागने के बाद जिया चीखती चिल्लाती रही। जिया की चीख सुनकर सर्प दानव और अधिक उत्साहित हो गया। सांप दानव वही खड़ा रहा और उसे देखता रहा है। जिया ने सांप दानव को चूहे दानी से मारा। अनजाने में वो एक छोटे कमरे में घुस गई। उसे एक लोहे की छड़ मिली और उसने खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से निकलना मुश्किल है। लेकिन सांप दानव अभी भी पीछा कर रहा है। जिया काफी मुश्किलों के बाद वहाँ से भाग गई और जाकर एक आदमी से टकरा गई। सांप अभी भी पीछा कर रहा है। सांप को देखकर भीड़ वहाँ से भाग गई। बस दो गाँव वाले उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सांप दानव ने उसे वहीं मार डाला। सांप दानव को भगाने के लिए गाँव वाले ने एक मशाल उठाई। अगली सुबह जिया अचानक से ही डर गई। वो थोड़ी सी बात में बस गई थी। दूसरी तरफ उसकी सास एक डब्बा लेकर सांप दानव के पास गई। उसने उसके टूटे हुए दिल को दिलासा दिया, लेकिन सांप दानव 40 साल से अकेला है। वो गुस्सा हो जाता है, तभी डब्बे में से एक चूहा बाहर आता है। वो उस छोटे चूहे को उठा लिया। ठीक उसी समय जिया के सास और ससुर बात कर रहे हैं कि वो लोग एक नई दुल्हन खरीद लाएंगे, लेकिन तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने दरवाजा खोला और देखा कि बाहर जिया खड़ी है। वो दोनों ये देखकर दंग रह गए। उसने कहा कि वो फिर से नहीं भागेगी। वो देर रात दूध का बर्तन लेकर जा रही है। उसने चुपचाप से उसमें एक द्रव्य मिलाया। उसने दूध को सांप के बिल के पास रख दिया। सर्प दानव बाहर आया और जल्द ही सारा दूध पी लिया। उसने पीछे मुड़कर जिया को देखा। वो जब गुस्से से जिया की तरफ आगे बढ़ता है, अचानक उसके शरीर से एक चमकदार रोशनी बाहर आती है। वह कुछ ही समय में गिर जाता है। जिया मुस्कुराई और दरवाजा खोला। वो काफी खुश लग रही है। जल्द ही एक सुंदर आदमी ने दरवाजा खोला। जिया को पहली नजर में उससे प्यार हो गया। वो उसकी छाती को सहलाते हुए उससे बात करने लगी। वो कहती है कि वो उसका प्यारा दूल्हा है। दरअसल गाँव के मुखिया ने जिया को एक रहस्यमय बोतल दी है। उसने बताया कि वो एक इंसान ही है। उसने जिया को सारी सच्चाई बताई। एक बार एक सर्प दानव था जो चाहता था लोग उसे हमेशा प्यार करें। उसने एक शादी को भंग किया। तभी दूल्हे ने उस पर हमला करने के लिए लाठी उठाई, लेकिन सांप ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उसने उस औरत को काट लिया और उसका बच्चा सांप दानव बन गया। गांव के मुखिया ने जिया को बताया कि सांप दानव के श्राप हटने के बाद खूब सारा धन मिलेगा। अगले दिन जिया अपने ससुराल में रहती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो अपने बेटे के लिए भोजन लेकर आई है। जिया डर जाती है और डब्बा लेकर कमरे में घुस जाती है, और जैसे ही वो अंदर घुसती है सर्प दानव उसको जकड़ लेता है। वो जानता था कि उसके साथ छल किया गया है। वो जिया को मारना चाहता है, लेकिन वो द्रव्य के असर के कारण बेहोश होकर गिर जाता है। जिया ने चुपचाप से सांप की खाल जला दी है, जिसे सासू माँ ने भी देख लिया। उसने पिछली रात रखा दूध का पतीला भी देखा। उसे कुछ शक हुआ। वो सोचती है कि जिया ने उसके बेटे को मारने की कोशिश की होगी। वो फिर से उसके दूध के बर्तन में द्रव्य मिला देती है और सांप दानव वो दूध पी लेता है और सुंदर इंसान बन जाता है। दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। तभी सासू माँ अंदर आ जाती है। दोनों ने अपने बेटे को कहीं ऐसे नहीं देखा है। उन दोनों को समझ ही नहीं आया कि वो उनका ही बेटा है। सास ने अपनी बहू को जमकर खरी खोटी सुनाई। वो कहती है कि वो नालायक बहू है। जिया उन्हें सच बताती है। यह सुनकर उन दोनों को यकीन नहीं हुआ। सांप आदमी वापस अपने रूप में आ जाता है और उसे गांव वालों ने पकड़ लिया है। गांव का मुखिया आया और उसने सांप दानव पर हमला किया। इससे दानव शांत हो गया। उसने ग्रामीणों को विदा किया। उसने उसके पिता को बताया कि आज पूर्णिमा की रात है। उसके पास एक उपाय है जिसे वो सर्प दानव को श्राप से पूरी तरह छुटकारा दिला सकता है। परिवार रात तक इंतजार करता है। जल्द ही चंद्रमा पूर्ण होने वाला है। उन्होंने नाको नीचे रख दिया। मुखिया ने उसे एक रहस्यमय द्रव्य खिलाया। मंत्र की ध्वनि के साथ सर्प दानव जाग जाता है, लेकिन सर्प दानव जो अभी अभी उठा गुस्से की स्थिति में है। वो काफी भूखा है, उसे शांत नहीं कर सकते। सर्प दानव के शरीर में से अजीब सी रोशनी बाहर आती है। उसने जिया को काट लिया। सर्प दानव जमीन पर गिर गया और जिया बेहोश हो गई। उसके पति को श्राप से छुटकारा मिला, लेकिन सांप के काटने की वजह से जिया अब सांप दानव बन चुकी है।